तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग, जो आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट एडिटिंग किया गया है, और ये मेरी माँ है, देख सकते हो कितना मस्त तरीके से इसको अपने सीने में एडजस्ट किया गया है, तो सेम ऐसा एडिटिंग मैं आप लोग को भी सिखाने वाला हूँ। तो करना क्या है, आप लोग को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है, और उसके बाद सेम ऐसा एडिटिंग आप लोग भी सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसे एडिटिंग से रिलेटेड नए वीडियोज़ लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंपल फ़ोटो, जो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसे पोज के साथ। अपना भी फ़ोटो क्लिक करवा लीजिएगा और उसके बाद उसको रिमिनी मार लीजिएगा। ये देख सकते हैं कितना मस्त क्वालिटी आ चुका है हमारे फ़ोटो का, जो देख सकते हैं बिफोर में कैसा था और ये आफ्टर में कैसा है। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी रिमिनी मार लीजिएगा और उसके बाद इस फ़ोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोजर को हल्का सा लो रखेंगे कुछ इतना तक, और कंट्रास्ट को भी हल्का सा लो रखेंगे, और हाईलाइट को भी लो रखेंगे, और शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और वाइट्स को कुछ इतना लो, और ब्लैक्स को भी हल्का सा लो रखेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद यहाँ कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है लाइट के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर मिक्स टूल है उस पर जाएंगे, और ह्यू को हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे कुछ इतना, और सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, बस इतना ही रखेंगे। और उसके बाद इस ऑरेंज कलर पर आएंगे और इसका सेचुरेशन कुछ इतना माइनस कर लेंगे, और इसका लुमिनेंस को पूरा 100 कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से वाइट हो चुका है, और इसका ह्यू है इसको हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद इस येलो कलर पर आएंगे, इसका सेचुरेशन पूरा माइनस कर लेंगे और इसका ह्यू पूरा 100। और फिर ग्रीन वाले कलर पर आएंगे, इसका सेचुरेशन पूरा इंक्रीज कर लेंगे और ह्यू को हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद इन सबका सेचुरेशन पूरा लो कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बस इतना काम हो जाने के बाद हम इसको यहाँ से डन कर लेंगे। और फिर यहाँ टेम्परेचर दिख रहा है, इसको +2 रखेंगे, +4, और इसके टिंट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना तक, हल्का सा बस, और वाइब्रेंस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और सेचुरेशन को माइनस की तरफ रखेंगे। और फिर ऊपर की तरफ जो ग्रेडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाएंगे, और फिर इस 3 नंबर वाले पर जाएंगे, और फिर इस पर क्लिक करते ही ये जो बीच में बिंदु दिख रहा है सर्कल पॉइंट, इसको हल्का सा ब्लू की तरफ रखेंगे कुछ इतना, और उसके बाद इसको भी यहाँ से डन कर लेंगे। और ये नीचे वाला स्लाइड करेंगे तो यहाँ इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है कलर टूल के बगल में, इस पर क्लिक करेंगे और क्लियरिटी को कुछ इतना इंक्रीज कर लेंगे, और डीएच को +4, और विग्नेट को हल्का सा माइनस, बस इतना। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कितना मस्त तरीके से एडिटिंग हुआ है, कितना मस्त दिख रहा है। तो सेम इतना हो जाने के बाद हम इस फ़ोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे स्केच बुक एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, स्केच बुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद अपने फेस को HD क्वालिटी में स्मूथ करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो कलर के बगल में ब्रश वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और फिर ये वाला ब्रश लेंगे। अधिकतर मैं इसी ब्रश से यूज करता हूँ फ्रेंड्स। और ये सेटिंग दिख रहा है ऊपर की तरफ, उस पर जाएंगे और फ्लो को 3 रखेंगे और स्ट्रेंथ को 10 रखेंगे। ये सेटिंग आप लोग भी रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। और इसका साइज़ कुछ अपने हिसाब से रखेंगे, और इसको यहाँ से कट करके जूम करेंगे फेस को, और इसको हल्के हल्के हाथों से फ्रेंड्स आराम आराम से स्मूथ करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से स्मूथ होगा। बस हल्का सा स्मूथ करके मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ कैसे होगा, बस इतना कर लिया हूँ मैं। और अब आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से, बस ऊपर का कितना मस्त HD क्वालिटी में स्मूथ हुआ है। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फास्ट करते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप लोग अच्छे से इसको स्मूथ भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, फोटो एडिटिंग का अहम कला होता है फेस को स्मूथ करना। अगर आप लोग फेस स्मूथ करना सीख गए तो आप लोग 100% गारंटी के साथ पूरा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। बस अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, आप लोग को मैं 100% गारंटी के साथ आप लोग को मैं एडिटर बनाकर ही छोड़ूंगा।
तो चलिए इतना काम हो जाने के बाद ये ऊपर की तरफ जो कोने में दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ शेयर वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेंगे। हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है। तो इतना काम हो जाने के बाद हम इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे वाला स्लाइड करना है, और यहाँ ऐड फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले एक पीएनजी है उसको ऐड करेंगे। ये रहा वो पीएनजी, और इसको हम यहाँ नीचे वाला स्लाइड करेंगे, यहाँ ब्लेंड दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से स्क्रीन करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई है इस पर करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो सिंपली इसको जूम करके कुछ इतना पर ऐड कर लेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, इतना काम हो जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ ऐड फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और अपने मम्मी वाला पीएनजी को यहाँ ऐड कर लेंगे। तो ये रहा हमारा मम्मी, और इसको यहाँ ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ये नीचे वाला स्लाइड करेंगे तो यहाँ एडजस्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और इसका सेचुरेशन पूरा लो रखेंगे, और इसका क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना तक, और इसके कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और इसके ब्राइटनेस को हल्का सा माइनस की तरफ कर लेंगे कुछ इतना तक, और उसके बाद इसको यहाँ से डन कर लेंगे, और फिर नीचे वाला स्लाइड करेंगे तो यहाँ ब्लेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाएंगे, और इसको स्क्रीन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डार्कन करेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, और उसके बाद इसको अपने चेस्ट पर आराम से इसको अच्छे से ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसको इतना पर रख लीजिएगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ जो इरेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और इसको साइड से अपने मतलब कपड़े के अंदर रखेंगे कुछ इतना, इसको अच्छे से रिमूव आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको जल्दी से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर चुका हूँ। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी अपने फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको यहाँ से डन करेंगे, और इसका ओपेसिटी कुछ इतना लो रखेंगे, इतना तक कुछ इतना, और उसके बाद इसको भी यहाँ से डन कर लेंगे, और फिर यहाँ से सेव कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।